महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। नमस्कार एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ गजानन गार्डन हंसारी में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा एवं विशिष्ट अतिथि विमलेश सिंह परिहार अखिल भारतीय क्षत्रिय खंगार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति सिंह खंगार के मुख्य आतिथ्य में महाराजा खेत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत समाज के लोगों द्वारा विधायक राजीव सिंह पारीशा का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि राजीव सिंह पारीशा ने महाराजा खेत सिंह की जीवनी पर विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाराज खेत सिंह खंगार समाज के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपनी वीरता के बल पर खंगार समाज का नाम रोशन किया है। समाज को एक बैनर तले रहकर समाज में फैली कुरूतियों को दूर कर उनके आदर्शों पर चलकर सामाजिक एकता एवं भाईचारा से समाज का उत्थान संभव है। कार्यक्रम संयोजक राजू संतोष सिंह घिसोली ने समाज को संगठित करने पर जोर दिया और कहा कि महाराजा खेत सिंह ने देश व समाज के लिए एकता अखंडता बनाए रखने के लिए हम सबको समाज से जोड़ने का काम किया है तथा निचले तबके के लोगों को समान रूप से अधिकार व सम्मान दिलाने की प्रेरणा दी है। संधि कर लेते, अपने राज्य को सुरक्षित रखते, क्या जरूरत थी पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर लड़ने की, लेकिन अपनी धरती के लिए एक एक इंच जमीन के लिए अपने संस्कारों के लिए अपनी संस्कृति के लिए अपने आगे अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपने सर्वोच्च को न्यौछावर करने का जो संकल्प था, आज उसके कारण ही हिंदुस्तान का जन जन उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखता है। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, जितने भी वीर हुए हैं, राजा तो हजारों हुए, लाखों की संख्या में राजा हुए, लेकिन वीर और सम्मानित बहुत चंद लोग हुए, उनमें से महाराजा खेत सिंह जी हैं, जिनको आज सभी वर्ग के पूरे हिंदुस्तान के लोग आज उनको सम्मान की और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। और जो आप आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये वर्ग पूरा जो खंगार परिहार समाज है, राय समाज है, ये हमेशा से धर्म के प्रति हमेशा संकल्पित रहा है, मूल्यों के प्रति हमेशा संकल्पित रहा है, हिंदुस्तान की जमीन के लिए अपने रक्त का बूंद बूंद निछावर करने का संकल्प लेके हमेशा समाज में अपना सहयोग प्रदान करता रहा है, समाज में उसकी भागीदारी समाज की सुरक्षा के लिए रही है। इसीलिए आपके प्रति संपूर्ण समाज का बड़ा आदर का भाव होता है, क्योंकि कभी भी हमने अपने परिहार समाज के खंगार समाज के लोगों को जातिवाद की बात करते हुए नहीं सुना। बाकी लोग तो जातिवाद बहुत करते हैं, लेकिन गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी, मोहल्ले की सुरक्षा की जिम्मेवारी, देश की और समाज की सुरक्षा की जिम्मेवारी अगर किसी को दी जाती है तो आपके समाज को दी जाती है। इसलिए आपको चौकीदार के नाम से भी गांव गांव में जाना जाता है। आज पहले आप गांव गांव की चौकीदारी करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी गांव गांव और देश की चौकीदारी कर रहे हैं। पहले आप अकेले चौकीदार थे, आज नरेंद्र मोदी जी भी चौकीदार हैं। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी के पास नहीं थी, बहन बेटियों की सुरक्षा करना, उनका सम्मान करना, उनके सम्मान के लिए आगे खड़े होना, चट्टान की तरह खड़े होना, बहन बेटियों की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हमेशा सदियों से आपके हाथों में रही। सबके धन की माल की जिम्मेवारी हमेशा से आपके हाथ में रही। जिस गाँव में हमारा क्षत्रिय खंगार समाज होता समाज रहता था, उस गाँव में कभी दबंग डाकू अपने कदम तो क्या सपने में उस गांव में भी नहीं जाते। जो काम आज पुलिस कर रही है वो सारे काम पहले आप करते थे। इसीलिए पूरे समाज का सम्मान हमेशा आपके साथ में है, श्रद्धा भी आपके साथ में, विश्वास भी आपके साथ में है। इसीलिए जो एफटी लाइव के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट।